अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ही आहार का सेवन करना चाहिए, और मात्राम द्रव्याणि अपेक्षन्ते गुरुणपि लघुनेपि। मतलब गुरु द्रव्य का सेवन करते समय भी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, और उसी के साथ लघु द्रव्य का सेवन करेंगे तभी। द्रव्य का मतलब यहाँ पर है जो भी हम खाएंगे उसको द्रव्य, ऐसा यहाँ पर मीनिंग हमने पहले ही देखा है कि द्रव्य का मतलब यहाँ धन इस अर्थ से नहीं है, जो हम शरीर में अंदर इंटेक करेंगे जो फूड सब्सटेंस है वो सभी को हम द्रव्य इस नाम से यहाँ पर जानेंगे। तो मात्रा द्रव्याणी अपेक्षन्ते, तो सभी प्रकार के द्रव्य या तो वो गुरु हो या लघु हो वो मात्रा के अनुसार ही उसका ग्रहण सेवन करना चाहिए। तो उससे ही हमारा जो अग्नि है डाइजेस्टिव जो पावर है वो सही रह सकती है। प्रवृत्ति का मतलब ये अच्छा प्रकार से अग्नि को बढ़ाती है। और फिर मात्रा से सेवन तो करना चाहिए तो हो गया, लेकिन फिर उसमें आ गया कि कितना खाना चाहिए। तो उसके लिए फिर डिस्क्रिप्शन दिया है कि गुरु नाम अर्ध सौहित्यम लघु नाम नाति तृप्तता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीयते। जस्ट जस्ट अ मिनट। लघु नाम नाति तृप्तता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्यति। जैसे हमने देखा कि दो प्रकार के आहार हम लेते हैं, एक गुरु है और दूसरा लघु है। उसमें गुरु नाम अर्ध सौहित्यम, सौहित्य का मतलब है जब तक पूरा पेट भर जाएगा उसको हम कहेंगे सौहित्य तृप्ति। तो अर्ध सौहित्यम अगर गुरु है, जैसे पचने में भारी है, जैसे हम क्या कहेंगे कि बासुंदी है, या फिर जो मीठे द्रव्य है वो पचने में थोड़ा भारी भारी रहता है, जिसमें खोआ वगैरह पड़ता है वो भारी है, तो वो जो है गुरु नाम अर्ध सौहित्यम, मतलब जितना हम रेगुलरली आहार खाते हैं उसके हाफ क्वांटिटी में ही आहार का हमें सेवन करना चाहिए। गुरु नाम अर्ध सौहित्यम लघु नाम नाति तृप्तता। और लघु द्रव्य है तो भी वो एकदम पेट पूरा भर जाएगा इतना नहीं खाना चाहिए। मतलब एक कंडीशन ऐसे आती है कभी कभी जब हम बाहर खाने के लिए जाते हैं तो सबके साथ गपशप करते हुए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन आती है कि हम पूरा पेट हमारा भर गया है, हम थोड़ा सा हलचल भी नहीं कर सकते, ऐसा कंडीशन जब होता है तो उसको हम बोलेंगे सौहित्य। तो उसके जितना हमें लगता है कि और ज्यादा हम नहीं ले सकते उससे थोड़ा सा कम ही हमें सेवन करना चाहिए, तो लघु नाम नाति तृप्तता, बहुत ज्यादा पेट भर से भरकर नहीं खाना चाहिए। मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीयति। और कितनी मात्रा में आहार लेना चाहिए, तो नॉर्मली दो याम मतलब दो दो प्रहर में जो पच जाएगा इतना प्रमाण में आहार का सेवन करना चाहिए, उसी को मात्रा प्रमाण मतलब उतनी ही मात्रा में आहार लेना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है अगर कम मात्रा में खाएंगे, तो जैसा जनरली अभी होता है कि सभी को विशेषता जो लड़कियां होती हैं तो उनको लगता है कि हमें फिगर मेंटेन करना इसलिए कम खाना है, तो उससे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो भोजन सलाद ही खाएंगे, केवल दूध ही पियेंगे, या फिर कोई या तेल ऐसा कुछ नहीं लेंगे, ये सब अभी चलता है क्योंकि हमें वेट मेंटेन करना है, फिटनेस मेंटेन करना है, तो ये सभी करना पड़ता है, ऐसा सभी को लगता है। तो उसमें ऐसा है कि भोजनम हीन मात्रम तु न बलो उप बलोपचय ओजसे सर्वेशा वात रोगाणाम हेतु तामस प्रपद्यते। तो हीन मात्रा में भोजन करेंगे, मतलब जितना हमें अगर लगता है कि वेट कम करना है तो कम मात्रा में भोजन करना ये उसका समाधान नहीं है। भोजनम हीन मात्रम तु न बलोपचय ओजसे, मतलब कम मात्रा में खाएंगे तो उससे बल मतलब स्ट्रेंथ उत्पन्न नहीं होगी। ओज मतलब सभी हम जो सप्त धातु के बारे में जैसे पहले हमने एक सुना है देखा, एक बार हमने देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन आगे आएगा, तो उसी का सार भाग जो उसको हम कहते हैं ओज,
हम किसी व्यक्ति को देख के बोलते हैं कि उसका जो चेहरा है वो ओजस्वी है, वो ऐसा कहते हैं, तो ओज की उत्पत्ति अगर कम मात्रा में भोजन करेंगे तो वो नहीं होगी। तो एक तो है स्ट्रेंथ उत्पन्न नहीं होगी, दूसरा वो ओजस ओज की उत्पत्ति नहीं होगी, तो और उसके साथ ही सर्वेशम वात रोगाणाम हेतुताम से प्रपद्यते, और सभी प्रकार के वात के रोग उससे उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब कम प्रमाण में अगर खाएंगे तो भी वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मतलब वेट कम करने के लिए कम मात्रा में खाना ये भी सही जो है वो पद्धत नहीं है, ये ध्यान में हमें रखना है। तो क्योंकि उससे स्ट्रेंथ कम होती है और वात व्याधि भी अनेक प्रकार के होते हैं। और दूसरी बात है अति मात्रम दू पुनः श्रवण आशुदोषण गपोपयत, और ज्यादा क्वांटिटी में अगर रेगुलर खा रहे हैं तो सभी प्रकार के दोषों को वो प्रकोपित करता है, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता है, दोषों को ज्यादा बढ़ाता है, तो दोष बढ़ने से जो भी व्याधि डिसीजेज जो होंगे वो उससे हो सकते हैं। इसलिए अति मात्रम पुनः सर्वान आशु दोषान प्रकोपयत, जल्दी आशु मतलब फास्ट, जल्दी ही सभी दोषों को प्रकोपित कर देते हैं अगर ज्यादा ज्यादा मात्रा में लिया तो। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर क्वांटिटी में आहार नहीं लिया तो उससे क्या होता है, कुछ दो चार डिसीजेस के बारे में दिया है कि एडिक्वेट क्वांटिटी जितना जरूरी है अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अगर हम आहार नहीं ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसको भी डिस्क्राइब किया है। तो वो है कि पीड्यमाना ही वाताद्या युगपत तेन कोपिता आमेन अन्नेन दुष्टेन तदेव आविष्य कुर्वते विष्टम्भयन्तो अलसतम चावयन्तो विसूचिकाम अधरोत्तर मार्गाभ्याम सहसा एव अजितात्मनः। तो अजितात्मना मतलब जिसका अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है ऐसा वो क्या करता है, तो या तो अति मात्रा में आहार सेवन करता है या फिर कम मात्रा में करता है। अगर ज्यादा मात्रा में अगर आहार का सेवन किया तो क्या होता है, तो पीड्यमाना ही वाताद्या युगपत तेन को, युगपत मतलब सभी साथ में सभी दोष साथ में प्रकोपित होते हैं। और उसके बाद एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ आती है, उसका वो हम देखेंगे कि आमेन अन्नेन दुष्टेन तद एव आविष्य कुर्वते। तो आम की उत्पत्ति होती है, आम का मत आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है कि आम आम की कंडीशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेद में माना है, क्योंकि तो उसी से सभी प्रकार के व्याधि उत्पन्न होते हैं, या इसलिए वो आम कंसेप्ट जो है वो हमें समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक ये कंसेप्ट हम नहीं समझेंगे तब तक हमें आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझने में मतलब वो नहीं समझ पाएंगे कि आयुर्वेद में इतना पथ्य आहार इतना सभी आहार विहार के बारे में इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, ये जब तक हम आम की कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमें समझना वो इम्पॉसिबल है। इसलिए वो आम का जो कंसेप्ट है हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा क्वांटिटी में आहार लेने से क्या होता है, तो आमेन अन्नेन दुष्टेन, जब कोई आहार हम सेवन करते हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर अगर नहीं होता है तो आम अन्न की उत्पत्ति होती है, आम की उत्पत्ति होती है। आम मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको आयुर्वेद में आम ऐसे कहा है। और इसका ये कितना सूक्ष्म लेवल तक जा सकता है तो उसके लिए कोई पैरामीटर अभी तक बना हुआ नहीं है, कि किसी प्रकार के जो मॉडर्न पैरामीटर है उसमें ये आम का जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो है उसका हम डिस्क्रिप्शन नहीं देख सकते। और वो जो आम है किसी भी प्रकार से बॉडी में हम देखने को मिल सकता है कि आम अगर उत्पन्न होता है तो वो बॉडी में अलग अलग प्रकार से जो है वो हमें दिखता है कि वो भले ही किसी भी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं आएगा लेकिन उसके जो परिणाम स्वरूप जो भी डिसऑर्डर्स या फिर लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं वो तो शरीर में उत्पन्न होते ही हैं। तो इसलिए आम जो है वो उत्पन्न होता है, और वो दुष्ट जो है आम मतलब दुष्ट मतलब जो नॉर्मल नहीं है, आहार का डाइजेशन होने के बाद जो भी उत्पन्न होना चाहिए वो नॉर्मल उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वो फिर आम क्या करता है।
रसभ, और दूसरा जो है चावय अंधो, या फिर वो शरीर में, शरीर से वो जो भी डाइजेशन होने के बाद जो भी उत्पन्न होने वाला है, वो जो प्रॉपरली उत्पन्न नहीं हुआ है, तो या तो फिर वो ऊपर के मार्ग से, मतलब वो उल्टी हो जाती है, या फिर नीचे के मार्ग से, मतलब अतिसार, मतलब डायरिया, ये दोनों में से किसी भी एक मार्ग से वो बाहर शरीर से निकलता है, तो फिर उसको हम कहते हैं विसूचिका। यहाँ पर विसूचिका का मतलब जनरली, जनरल प्रैक्टिस में विसूचिका यानी कॉलरा से मतलब लिखा हुआ मिलता है हिंदी में, कि अगर कॉलरा होता है तो उसको अलग जगह पर विसूचिका नाम दिया जाता है, लेकिन ये प्रॉपर ट्रांसलेशन विसूचिका का नहीं है। तो ये विसूचिका जो ट्रांसलेशन किया हुआ इंग्लिश का, वो विसूचिका मतलब कॉलरा ये नहीं है। तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने से, या तो ऊपर से या तो नीचे से, ये शरीर के बाहर सब आम निकलते रहता है, उसको हम चावय अंतो विसूचिका, उसको विसूचिका ऐसा नाम दिया गया है। अधर उत्तर मार्गाभ्याम, तो ऊपर से, अधर मतलब नीचे मार्ग से, उत्तर मतलब ऊपर के मार्ग से बाहर अगर जा रहा है तो उसको विसूचिका ऐसा नाम दिया गया है। और सहसा एव, अचानक हो जाता है, मतलब एक दिन हमने खा लिया है, दूसरे दिन कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही होगा, ज्यादा क्वांटिटी में आहार सेवन किया, लेकिन ये हमें पता चलेगा नहीं कि क्यों हो रहा है, तो इसलिए वो सहसा एव अचानक हो सकता है। और वो किसको होगा, तो अजितात्मना, जिसने प्रॉपरली हमारे अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा है, और ज्यादा क्वांटिटी में आहार जितना जरूरी नहीं है उतना सेवन कर लिया है, तो या तो अलसक हो जाएगा, मतलब वो शरीर से बाहर निकलेगा ही नहीं, या फिर दोनों ओर से, या तो ऊपर से या तो नीचे से, दोनों ओर से वो शरीर से बाहर निकलेगा, तो उसको हम विसूचिका से, दो प्रकार के व्याधि हो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने जो दिया है वे अलसक के बारे में दिया है। अलसक क्या है, तो प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधस्तात्, आहारो न च पच्यते, आमाशये अलसी भूता तेन अलसका स्मृता। तो अलसक को अलसक क्यों कहा है, कि जैसे कोई आलसी व्यक्ति है कि दिन भर वो बेड में ही पड़ा रहता है, दिन भर उसको वो उठता नहीं है, जो मतलब शरीर वैसे ही पड़ा रहता है, तो उसको आलसी बोलते हैं, तो वही अलस। तो जो आहार है जो हम खाएंगे, तो उसको तो शरीर से बाहर निकलना ही है, तो डाइजेस्ट होने के बाद कुछ तो उसका बाय प्रोडक्ट तो निकलेगा ही, जिसको हम मल कहते हैं, वो तो शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता है, वो शरीर में ही पड़ा हुआ रहता है। प्रयाति न ऊर्ध्वम, ऊपर के मार्ग से भी बाहर निकलता नहीं है, न अधस्तात, और अधो मतलब नीचे के मार्ग से भी वो बाहर नहीं निकलता है, और न च पच्यते, और उसका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। तो आमाशय अलसी भूता, और वो ऐसे ही आमाशय मतलब पेट में ऐसा ही अलसी भूता, मतलब आलसी आलसी की तरह वो वहां पर पड़े रहता है, ते न सहा अलसक होता, इसलिए उसको अलसक ऐसा नाम दिया गया है। तो एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार है कि विविधैर वेदनोद्भेदैः वायवादि वृषकोपतः सूचिभिरिव गात्राणि विद्यतीति विसूचिका। और दूसरा विविधैर वेदनोद्भेदैः, अलग अलग प्रकार के वेदना उत्पन्न उससे होते हैं, वायवाद, और क्यों होते हैं, तो वायवादि भृषक उपतः क्यों होते हैं, तो वायु इत्यादि प्रकोपित, वायुवादी मतलब वायु पित्त का तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं, और अनेक प्रकार की वेदना शरीर में उत्पन्न होती है, सूची वीर्य गात्राणि विद्यति, और ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में जैसे कोई सुई चुभो रहा है ऐसा लगता है, तो उसको विसूचिका, सूचिका मतलब होता है सुई, तो सुई चुभोने जैसा शरीर में लगता है, इसलिए विसूचिका। विशेषण सूची वीर्यवत उद्यति, मतलब पूरे शरीर में जैसा सुई चुभते हैं वैसा लगता है, इसलिए फिर उसको विसूचिका ऐसा कहा जाता है, तो उसको विसूचिका कहेंगे। और फिर क्या होगा, तत्र शूल, तो उसके सिम्टम बताए कि ऐसा अगर मात्रा से आहार सेवन नहीं करेंगे तो या तो अलसक हो जाएगा या फिर विसूचिका हो जाएगा, तो फिर उसके लक्षण क्या है, तो तत्र शूल भ्रम आनाह कंप स्तंभादयो अनिलात, तो या तो वायु प्रकोपित ज्यादा होगा, या तो पित्त ज्यादा प्रकोपित होगा, या फिर कफ ज्यादा प्रकोपित होगा, तीनों में से कोई भी
रखो भी तो तीनों होंगे, लेकिन तीन कंडीशन उसमें होगी, या तो क्वांटिटी वात की ज्यादा होगी, या फिर पित्त की ज्यादा होगी, या फिर कफ की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो वात की क्वांटिटी अगर ज्यादा है, दोष प्रकोपित तो तीनों हुए हैं, लेकिन उसमें भी वात ज्यादा प्रकोपित हुआ है, तो ये सिम्टम होते हैं। कौन से सिम्टम होते हैं? तो शूल, पेन होता है, भ्रम, चक्कर आते हैं, आना हो मतलब हमारा पेट फूल गया ऐसा लगता है, कंप मतलब हाथ में जो है वो कंप होना, फिर स्तंभ, रुक जाना मतलब हम कोई हलचल नहीं कर पाना, अद आदयो अनिरात, वो वायु से होता है। वायु के जो हमने लक्षण पहले देखे हैं, तत्र रुक्षो लघु शीतल खर सूक्ष्म चलो निरा, तो उसके जो भी फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होंगे, तो वो वात अगर प्रकोपित है तो फिर वो लक्षण होंगे। फिर पित्त प्रकोपित हो गया तो फिर क्या होगा? तो ज्वर, फीवर होगा, अतिसार, डायरिया होगा, फिर अंतर्दाह, शरीर के अंदर जलन जैसी लगता है, त्रुट मतलब तृष्णा मतलब प्यास ज्यादा लगेगी, प्रलयादयः, प्रलापादयः, तो और प्रलयादयः मतलब जैसे हम बेहोश हो गए ऐसा लगता है, चक्कर आएगी, ज्वर होगा मतलब फीवर होगा, अतिसार डायरिया होगा, शरीर में जलन होगी, तृष्णा मतलब प्यास बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, और प्रलय मतलब मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना ऐसे हो जाएगा, तो उसको वो पित्त के कारण होता है। और कफ ज्यादा प्रकोपित हुआ तो क्या होगा? तो छर्दी, उल्टी हो जाएगी, अंग गुरुता, पूरा शरीर भारी हो गया ऐसा लगता है, फिर वाक संग, बोलने में दिक्कत हो जाएगी, मुंह मतलब शब्द मुंह से नहीं निकलेंगे, अस्थीवन, ज्यादा मुंह में पानी आना, ज्यादा थूक उत्पन्न होना, ये सब कफ ज्यादा क्वांटिटी में उत्पन्न हुआ है तो फिर वो होगा। फिर उसके बाद अलसक के बारे में डिस्कशन किया है, ऋषि जी का पहले डिस्क्राइब कर दिया, फिर अलसक के बारे में बोलता है, क्या बोलते हैं? विशेषा दुर्बलस्याल्प वह्नेर वेग विधारिणा पीड़ित मारुतेन मारुतेन अन्नम श्लेष्मणा रुद्धम अंतरा अलसम क्षोभितम दोष ही शल्यत्वेनैव संस्थितम शूलादीन क्रूते तीव्रान सर्दी अतिसार वर्जितान। तो सो अलसहा, अलसक विसूचिका से अलग कहाँ है? तो बहुत सारे अलग अलग सिम्टम उत्पन्न होंगे, लेकिन सर्दी और अतिसार ये दोनों को छोड़ के बाकी सभी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब उल्टी नहीं होगी और अतिसार मतलब डायरिया नहीं होगा, मतलब शरीर से बाहर जो भी है वो निकलेगा नहीं, डाइजेशन प्रॉपर तो नहीं हो रहा है लेकिन वो शरीर से बाहर भी निकल नहीं रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अलसक। तो विशेषा दुर्बल से अल्प बनने हैं वेग विधारण, हाँ, तो दुर्बल और अल्पवन्य जिनका अग्नि कम है जो दुर्बल है, और वेग विधारिणा जो वेग को धारण करता है, जैसे हमने अधारणीय वेग देखे थे कि क्या क्या वेग को धारण नहीं करना है उसके बारे में हमने देखा है पहले, तो वो धारण करने वाले जो व्यक्ति है उसमें पीड़ितम मारुतेन अन्नम श्लेष्मणा रुद्धम अंतरा, तो उससे क्या होता है कि वायु का जो प्रॉपर मूवमेंट है शरीर में वो नहीं होता है, और अन्नम शेषपणा रुद्धम अंतरा, तो उसके बाद क्या होता है? फिर कफ वहां पर रुक जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं, क्षोभित, क्षोभित मतलब ज्यादा उसको प्रकोपित हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि क्षोभितम दोष ही शल्यत्वेनैव संस्थितम, जैसे हम हमारे उंगली में अगर कोई काटा चुभ गया तो उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद एकदम दर्द होने लगता है, वैसा ही शरीर में सब आम दोष रहने की वजह से थोड़ा सा भी हम हिलेंगे तो भी शरीर में पेन होता है, ऐसा लगता है कि एक जगह पर ऐसे ही बैठे रहे, तो ये शूल इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब पेन वगैरह उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन उससे जो मैंने पहले कहा कि सर्दी और अतिसार मतलब उल्टी और डायरिया दोनों भी नहीं होंगे, जो भी अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल फूड मटेरियल है वो शरीर में ही रहेगा, तो उसको हम यहाँ पर अलसक इस नाम से हम जानेंगे। और फिर ये एक उसका पार्ट हो गया, उसका ही सुपरलेटिव, उसके और ज्यादा अगर क्वांटिटी में दोष प्रकोपित हुए हैं तो जो भी व्याधि उत्पन्न होगा उसका उसको नाम दिया है दंडालसक। अलसक में हो जाएगा कि शरीर में पेन होगा, शरीर में बहुत सारे
वात और पित्त और कफ तीनों दोष के प्रकोपित होने से जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न होंगे, लेकिन उल्टी या डायरिया दोनों भी नहीं होंगे, और थोड़ा हिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दंडा लसन एक उसका और ज्यादा सीवियर सिम्टम बताया है। उसमें क्या होता है, तो अत्यर्थ दुष्टास्तु दोषा दुष्ट आम बद्ध खाहा, और बहुत ज्यादा अगर सभी दोष दुष्ट हो गए प्रकोपित हो गए हैं तो फिर वो दुष्ट होने के बाद यांतस्तिरियक तनुम सर्वाम दंडवत स्तंभयन्ति चेत् दंडक अलसकम नाम तम त्यजित आशुकारिणम। तो और वो और ज्यादा प्रकोपित अगर दोष हो गए तो फिर पूरा शरीर दंड की तरह, मतलब एक लकड़ी की तरह सीधा हो जाता है, मतलब उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अः विसु जो अलसक है उसमें थोड़ा बहुत हलचल संभव है, लेकिन दंडालसक जो है वो पूरा शरीर ही है, पूरा स्तब्ध हो जाएगा, रुक जाएगा एक ही जगह पर, और उसका कुछ भी हिला शरीर को मुश्किल हो जाता है। आशुकारिणम। और ऐसे जो दंडालसक नाम का जो डिसीज है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा दिया है कि तम त्यजेत आशुकारिणम, उसका चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि चिकित्सा करने के बाद भी उसको हमें सफलता नहीं मिलेगी, चिकित्सा करना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को छोड़ दे। यहाँ त्यजेत आशुकारिणम का मतलब होता है कि ये कंडीशन ही आने नहीं देना है, इसके पहले के कंडीशन में ही पेशेंट को रोक देना है, मतलब वो आगे नहीं बढ़े उसकी चिंता करनी है। अब क्योंकि इस अवस्था में अगर पेशेंट पहुंच गया तो उसको ट्रीटमेंट करके वापस आना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए उस स्टेज तक पेशेंट को पहुंचने ही नहीं देना है। इससे दंडालसक जो है वो तम त्यजेत आशुकारिणम, वो उसको उसको छोड़ देना चाहिए, पेशेंट को अब बोल देना चाहिए कि इसका कुछ नहीं हो सकता, हम केवल उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होगा, ऐसा पेशेंट के रिलेटिव को बता के उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फिर विरुद्ध अध्यसना जीर्ण शीघ्र विषलक्षणम। उसके बाद थोड़ा सा किस तरह से आहार का सेवन करने से अलग अलग सिम्टम उत्पन्न होते हैं वो दिया है। तो विरुद्ध अध्यसन अजीर्ण अजीर्ण शीलिनो, ये तीन प्रकार से जैसे जैसा आहार नहीं सेवन करना चाहिए और लोग कैसा आहार लेते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए दिया है। विरुद्ध अध्यसन अजीर्ण शीलिनो विषलक्षणम आम दोषम महाघोरम वर्जेत विष संज्ञकम विष रूप आशुकारित्व विरुद्धो उपक्रमवत। तो तीन प्रकार यहाँ पर दिए, एक विरुद्धाश्रम, एक अध्यसन और अजीर्णाश्रम। तो तीन प्रकार के आहार का वर्णन किया है जो प्रॉपर नहीं है। विरुद्धाश्रम के बारे में हम डिस्क्रिप्शन पहले किया है, जैसा हम अन्नरक्षा विधि में दिया कि किस प्रकार से आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, कि दो किसके साथ क्या नहीं लेना, उसका डिस्क्रिप्शन वो अन्नरक्षा विधि में आया है। जिसको डिस्क्रिप्टिव में देखना है वो चरक संहिता का 26 अध्याय में विरुद्धाश्रम का वर्णन है। चरक संहिता सूत्र स्थान के 26 चैप्टर में ये 18 प्रकार के विरुद्ध का वर्णन दिया हुआ है, जिनको डिस्क्राइब मतलब थोड़ा सा डिटेल में देखना है वो वहां पर उसको देख सकते हैं। तो एक होगा विरुद्धासन, दूसरा है अध्यसन, मतलब हमने एक बार खाना खा लिया वो डाइजेस्ट वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके पहले ही हमने दूसरा आहार सेवन कर लिया तो उसको कहते हैं कि अध्यसन। और अजीर्णासन मतलब सपोज हमने 12 बजे खाना खा लिया और तुरंत 1-1.5 बजे फिर से दोबारा खाना खा लिया, कि कोई दोस्त आ गए उसके साथ फिर से खाना खा लिया, तो उसको हम बोलेंगे अध्यसन। और अजीर्णाश्रम मतलब अगर हमने आज शाम को खाना खाया, दूसरे दिन सुबह हमें लगता है कि हमें पूरा पूरी तरह से डाइजेशन हुआ नहीं है और फिर भी हमने खा लिया, तो पूरा जो आहार है जीर्ण नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर से हम फिर से दोबारा खा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अजीर्णाश्रम। तो अजीर्ण तो तीन प्रकार, विरुद्धाश्रम, अध्यसन और अजीर्णाश्रम। और ये तीन प्रकार से जो आहार सेवन करता है वो विष लक्षणम, वो विष के लक्षणों की उत्पन्न उत्पत्ति होती है। और आम घोषम आम दोषम महाघोरम वर्जयत विष संज्ञकम, और ये आम की उत्पत्ति होती है और उससे वो महाघोर मतलब बहुत ज्यादा उसका जो प्रभाव है विपरीत शरीर पे हो सकता है, वर्जयत। और
उसकी चिकित्सा भी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो उसका उल्टा ही परिणाम मिलता है, इसलिए आमदोषम महाघोरम ऐसा कहा है। विष रूप आशुकारित्वात् विरुद्धोपक्रमत्वतः। और ऐसे लक्षण उत्पन्न क्यों होते हैं, वो वर्ज्य वर्ज्य क्यों कहा है, उसकी चिकित्सा करने के लिए क्यों मना किया है, तो विष रूप आशुकारित्वात्, जैसे जिस तरह से विष है, पॉइजन है, वो शरीर में बहुत जल्दी उसका प्रभाव दिखाता है, उसी तरह से आशुकारित्वात वो जल्दी ही ये जो आम विष है वो अपना प्रभाव दिखाता है। और विरुद्धोपक्रमत्वतः, और उसकी जो चिकित्सा है वो विरुद्ध है, वो विरुद्ध मतलब कैसा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आगे दिया गया है। विरुद्ध चिकित्सा है मतलब क्या है कि जो ट्रीटमेंट ठीक करने के लिए दी है उसी से जो है वो व्याधि लक्षण जो है सिम्टम और ज्यादा मैनिफेस्ट होता है, तो इस प्रकार की जो चिकित्सा है उसको विरुद्ध चिकित्सा ऐसे कहा है। तो इसलिए उसको हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकते, इसलिए उसको वर्ज्य ऐसा कहा गया है। फिर इसलिए उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा है कि आम जो है शरीर में उत्पन्न हो गया, उसकी चिकित्सा करने के लिए हमें डाइजेशन करने वाले जो ड्रग है वो देने पड़ेंगे, मतलब स्वेदन करना पड़ेगा, उसमें कटुरस वाले द्रव्य लेने पड़ेंगे, लेकिन वो देने के बाद जो है वो आम से जो उत्पन्न होने वाले जो भी सिम्टम है वो जनरली होते हैं कि शरीर में जलन होता है और अलग अलग प्रकार के सिम्टम होते हैं, और हम वो ट्रीटमेंट भी उसकी उष्ण ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उससे और ज्यादा सिम्टम है वो बढ़ सकते हैं, इसलिए वो विरुद्ध उपक्रम ऐसे कहा गया है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट हम उसकी करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसको वर्जित ऐसे कहा गया है। फिर तो चिकित्सा क्या करना है, तो पहली चिकित्सा क्या है कि अथ आमम अलसी भूतम साध्यम त्वरितम उल्लिखित। जो साध्य है, हमको लगता है कि पेशेंट जो ठीक हो सकता है, इस तरह के पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, तो एक है कि अथ आमम अलसी भूतम साध्यम त्वरितम उल्लिखित। जो अलसी भूत आम है, शरीर में पड़ा हुआ जो आम है, उसको क्या करना है, त्वरितम उल्लिखित, त्वरित उसको शरीर के बाहर निकाल देना चाहिए, छर्दी उल्टी करा देनी चाहिए, इस प्रकार के औषध देने चाहिए जिससे तुरंत उल्टी हो जाए। तो उल्टी कराने के लिए क्या देना है, तो पीतवा स उग्रा पटुफलम वारी उष्णम योजय तथा। तो उल्टी कराने के लिए क्या देते हैं, तो जिसको हम हिंदी में बच कहते हैं उसका नाम यहाँ पर उग्रा ऐसा दिया है कि बचा, मराठी में जिसको वेखंड बोलते हैं, हिंदी में जिसको बच कहा जाता है, वो उल्टी करता है तो कफ को उसको निकाल लेता है, तो वो उग्रा पटु मतलब लवण मतलब नमक, और फल मतलब मदन फल, एक आयुर्वेद में जब वमन कराते हैं, मतलब जब पंचकर्म का एक प्रोसीजर है वमन, जैसे सुनील जी भाई भाई साहब अभी हॉस्पिटल में रह के आए हैं 7-8 दिन, तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी हो सकता है। इसमें वमन नाम का एक चिकित्सा की पद्धति होती है, उसे उल्टी कराते हैं, शरीर के दोषों को ऊपर के मार्ग से बाहर निकालते हैं, तो वो करने के लिए सबसे अच्छा जो मेडिसिन कहा है उसको, उसका नाम है मदन फल। बहुत जगह पर जहाँ पर केवल फल ऐसा नाम आता है वहां पर बहुत ज्यादा मदन फल का ग्रहण करते हैं। तो मदन फल एक है बच मतलब वेखंड, दूसरा है नमक, और तीसरा है मदन फल, इनसे उसको देकर दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना है। तो और उसके ऊपर से गर्म पानी पीना है, ये सब लेके गर्म पानी पियेंगे तो अपने आप वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो वो हो गया एक उसका ट्रीटमेंट का पार्ट। दूसरा है स्वेदन मतलब बॉडी को स्टीम देना है, स्वेदनम फलवर्ती, फलवर्ती मतलब जिसको हम रिपोजिटरी कहते हैं, मतलब एनिमा देने के लिए जो भी हम शरीर में देते हैं गुदा मार्ग से जो देते हैं उसको रिपोजिटरी, उसको फलवर्ती ऐसे कहा गया है, जिससे नीचे के मार्ग से सभी दोष बाहर निकल जाएंगे, उसको फलवर्ती ऐसा कहा है। तो फलवर्ती जब मल वातानुरोमनी, मल को शरीर से बाहर निकाल देती है, और वात अनुरोमन मतलब वायु का जो उसका प्रॉपर डायरेक्शन है उसको वो प्रॉपर मिल जाएगा, तो ये दोनों करने वाली फलवर्ती का प्रयोग करना है। नाम्य मामा आमा नानी अंगानी वृषम स्विन्नानी वेष्टयेत। और अगर ऐसा लगता है कि आम की वजह से पूरा शरीर संकुचित हो गया ऐसा लग रहा है,
तो फिर उसको स्वेदन करके, मतलब स्टीम देकर शरीर को गर्म कपड़े से ढक देना चाहिए, जिससे वो शरीर में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो एक तो है शरीर से वो आम को बाहर निकाल देना, या तो ऊपर के मार्ग से या तो बाहर के मार्ग से, नीचे के मार्ग से बाहर निकाल देना है, और उसको स्वेदन करना है, मतलब उसको सही क्वांटिटी में उसको स्टीम देना है। तो उससे जो भी आम उत्पन्न हुआ है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद एक ट्रीटमेंट दिया है कि विसुच्छाम अतिवृद्धायाम, विसुचि का मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर दोष शरीर से बाहर निकल रहे हैं, वमन ज्यादा हो रहा है, विरेचन ज्यादा हो रहा है, तो पार्श्वयोः दाहः प्रशस्यते। तो एक उसमें ट्रीटमेंट का प्रकार दिया है, उसको बोलेंगी अग्निकर्म, मतलब शरीर को गर्म जो है वो एक सली बनाकर उससे शरीर के ऊपर कहीं कहीं स्पेसिफिक रीजन है वहां पर दाह करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, उसको बोलता है कि दाह करना है। पार्श्वयोः दाह, पार्श्वयोः मतलब है एड़ी, एड़ी में जो एक मर्म होता है वहां पर दाह करेंगे, अग्निकर्म करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ी हुई अति विसूचिका जो है वो कम हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तत् अहश्च उपवास से एनम विरिक्तवद उपाचर, और उसके बाद दिन भर उसको उपवास करने के लिए बोलना है, और विरेचन करने के बाद जो भी हम जो भी संसर्जन क्रम, मतलब विरेचन करने के बाद तुरंत ही हम दूसरे दिन उसको प्रॉपर खाना देते नहीं है, उनको हम थोड़ा मंड विलेपी या वागु, ये हम जब वमन के बारे में जब देखेंगे, मतलब शोधन के बारे में जब देखेंगे उस टाइम पे, उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, तो वमन कराने के बाद या विरेचन कराने के बाद धीरे धीरे हम प्रॉपर डाइट पर आते हैं, नॉर्मल डाइट पर आते हैं, तो वो जो क्रम है वो फॉलो करना है। अभी इसमें एक सवाल आ सकता है कि अगर विसूचिका हो रही है शरीर के ऊपर से या नीचे से दोष बाहर निकल रहे हैं, तो पार्श्नी मतलब एडी में दाहा करके कैसे फायदा होगा? तो उसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे पेशेंट दिखे जाते हैं कि जिस जिनको ये करने के बाद तुरंत विसूचिका में आराम मिलता है, तो ऐसा कंडीशन अगर है तो तुरंत उनको आराम होता है। तो ये कैसे होता है उसको अभी तक डिस्क्राइब करना अभी तक हुआ नहीं है प्रॉपरली, उसका जो मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से वो एक्ट करता है वो समझ में अभी तक तो नहीं आता, लेकिन ऐसा करने से पेशेंट को तो रिलीफ मिल जाता है, ये तो हम देखते हैं, तो इसलिए ये कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि ये हम घर पे इसका प्रयोग नहीं करना है, जैसा उसमें किसी भी चिकित्सा करते समय इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि फिजिशियन के सलाह के बिना इसका प्रयोग नहीं करना है, तो प्रॉपर जिसको एक्सपीरियंस है उसी से अगर वो करा लेंगे तो ही उससे फायदा मिलेगा, क्योंकि कितने क्वांटिटी में दाह करना है, कितने क्वांटिटी कितनी सलाका गर्म करनी है, वो करना जो है वो फिजिशियन का काम है, वो कोई लेमैन वो नहीं कर सकता, इसलिए वो ध्यान में रख के दाह का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हम मतलब डॉक्टर कर सकता है। फिर उसके बाद फिर क्या करना है, तीव्रार्ति अभी न अजीर्णे पिबेत सुलग्नम औषधम, और बहुत ज्यादा पेन अगर हो रहा है, अजीर्ण है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी जो अजीर्ण जिसको हुआ ऐसा पेशेंट जो है वो न पिबेत सुलग्नम औषधम, तो पेन को कम करने वाला जो औषध है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आम सन्नो अनलो नालम पक्तुम दोषो सदासनम निहन्यादपि चैतेषां विभ्रम सहसा आतुरम। क्योंकि अगर शूल कम करने वाले, पेन कम करने वाले औषध अगर हम खाएंगे तो जो है प्रॉपर डाइजेशन जो शरीर में होना चाहिए आम का, वो डाइजेशन नहीं होगा। आम सन्नो अनलो, और अग्नि जो है वो आम के साथ मिक्स हो जाता है, और दोष और औषध दोनों को डाइजेस्ट करने में वो समर्थ नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में बहुत ज्यादा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ऊपर से हम और मेडिसिन अगर दे रहे हैं तो फिर उससे जो ऑलरेडी शरीर में पड़ा हुआ जो आहार है
उसके साथ औषध भी हम खाए खा लेंगे तो उसको डाइजेशन करने की जो शक्ति है वो अग्नि में नहीं रहती है, इसलिए पेन हो रहा है फिर भी आम मतलब पेन कम करने वाली दवाई हमें नहीं लेना है। और इससे अगर हम लेंगे तो निहन्यात अधिक एतेषाम जिब्रम सहसातुरम, ऐसा लेने पर जो पेशेंट है वो और ज्यादा सीवियर कंडीशन में जा सकता है, इसलिए औषध का सेवन उस समय पर नहीं करना है। ऊपर से हम जो बोला है कि शरीर के बाहर निकालने का प्रोसीजर जो उल्टी करा के वो हम करा सकते हैं। तो जीर्णाशन हेतु भैषजम युंजा स्तब्ध गुरुदरे देव दोष शेषस्य पाकार्थम अग्नेः संदूषणाय, और औषध का प्रयोग कब करना है तो जीर्णाशने, जब हम जो हम खाया हुआ है उसका डाइजेशन जब हो जाएगा और अन्न जो शरीर में है वो उसका डाइजेशन हो जाएगा, फिर भी शरीर अगर भारी लग रहा है, पेट अगर भारी लग रहा है, स्तब्ध गुरुदरे पेट भारी अगर लग रहा है, तो उस ऐसे कंडीशन में बचे हुए दोष का दोष शेषस्य पाकार्थम, बचे हुए दोष का पाक करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए अग्नि संदूक्षणाय च, और अग्नि को संदूक्षण मतलब बढ़ाने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए भैषजम औषध का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीवियस स्टेज में औषध का प्रयोग नहीं करना है। जो शरीर में बचा हुआ आम है उसका थोड़ा डाइजेशन हो जाएगा और फिर भी शरीर अगर भारी अगर लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम औषध का, बचे हुए दोषों का पाचन करने के लिए औषध का प्रयोग कर सकते हैं। शांति, फिर उसके बाद बताया कि शांति आम विकारणाम भवति तु अपतर्पणात् त्रिविधम त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष प्रयोजित, और आम विकार जो आम से उत्पन्न होने वाले जो भी विकार है, जो भी दो व्याधि है, उनको शांति ही कैसे होती है, वो कम कैसे होते हैं, उसकी शांति कैसे होती है, तो भवती तु अपतर्पणा, अपतर्पण मतलब जिससे शरीर का जो कैटेबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगा उसको हम कहते हैं अपतर्पण, मतलब शरीर का जो बढ़ा हुआ दोष कम करने वाले जो भी कर्म करने वाले जो भी औषध है वो करने वाले जो भी औषध उनको बोलते हैं अपतर्पण। एक दो प्रकार की क्रम जो है कर्म हम शरीर में करते हैं, एक संतर्पण होता है दूसरा अपतर्पण होता है। संतर्पण मतलब बॉडी का मास बढ़ाने वाला जो भी है उसको हम बोलते हैं संतर्पण, और बॉडी का मास और कम करने वाला जो भी क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अपतर्पण। तो अपतर्पण करने वाले जो भी औषध है उसको प्रयोग हम कर सकते हैं। त्रिविधम त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष प्रयोजित, और तीन प्रकार के जो औषध है मतलब वात को कम करने वाले, पित्त को कम करने वाले और कफ को कम करने वाले, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो औषध है उसका प्रयोग तत् समीक्षा प्रयोजित, उसकी समीक्षा करके कौन सा दोष बढ़ा हुआ है उसको देखकर उस प्रकार के औषधों का प्रयोग हमें करना चाहिए। त्रिविध मतलब तीन प्रकार से, अल्प प्रमाण में बढ़ा हुआ है या मध्य प्रमाण में बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ा हुआ है, इसको देखकर कौन से प्रकार के औषध का प्रयोग करना है वो हम हमें देखना चाहिए, इस तरह से हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। फिर तो यथा योग्य करना मतलब क्या करना है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि त्रिविधम जो बोला है कि तीन प्रकार से चिकित्सा करनी है, मतलब अल्प मात्रा में, मध्य मात्रा में और ज्यादा मात्रा में अगर दोष बढ़े हुए हैं तो फिर क्या करना है, तो तत्र अल्पे लंघनम पथ्यम, थोड़ा सा दोष बढ़ा हुआ है तो उसमें लंघन करना चाहिए, उपवास मतलब नहीं खाना है। फिर दूसरा है मध्य लंघन पाचनम, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है तो फिर क्या करना है, लंघन के साथ पाचन औषध का प्रयोग, पाचन द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं जो डाइजेस्ट करने में मदद करे, ऐसे द्रव्यों का, ऐसे औषधि का प्रयोग करना है। प्रभूते शोधनम, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर दोष बढ़े हुए हैं तो प्रभूते मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है तो शोधनम, शरीर से उसको बाहर निकाल देना है। तद्धि मूलात उन्मूलयन मलान, और वो शोधन करने से क्या होता है, तो वो दोष जो है वो शरीर से पूरी तरह से मूल से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से अल्प मात्रा में दोष बढ़े हैं तो लंघन लेना है, मध्य प्रमाण में बढ़े हैं तो लंघन और पाचन लेना है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है तो शोधन लेना है, मतलब शरीर से वो
उसको बाहर निकाल देना है, उल्टी करा के, विरेचन करा के या बस्ती करा के इनको शरीर से बाहर निकाल देना है। और उसके बाद एवं अन्यान अपि व्याधिन स्वनिदान विपर्ययात, और उसी प्रकार से जो अन्य व्याधि जो भी है उनकी चिकित्सा भी हमें करनी है। तो स्वनिदान विपर्ययात, जिस कारण से, निदान का मतलब होता है यहाँ पर कारण, निदान का मतलब यहाँ डायग्नोसिस ऐसा नहीं है, निदान का मतलब यहाँ है हेतु और कारण, जिस कारण से वो व्याधि उत्पन्न हुई है उस कारण को अन्यानपि व्याधि स्वनिदान विपर्ययात चिकित्से अनुबंध हेतु सती हेतु विपर्ययम् त्यक्त्वा यथा यथं वैद्यो युञ्जात व्याधि विपर्ययम्। जिस कारण से व्याधि उत्पन्न हुआ है उस कारण को दूर करना है तो व्याधि ठीक होगी। दूसरा उसमें हेतु का ना, हेतु जो है जिस कारण से व्याधि हुआ है उसको दूर करने पर भी अगर डिसीज ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर व्याधि को कम करने वाले औषध का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो हेतु विपर्यय, और हेतु के विपरीत, कारण के विपरीत चिकित्सा करने से अगर व्याधि ठीक नहीं हो रहा है तो फिर यथा यथम वैद्यो युञ्जात व्याधि विपर्यय, तो जैसा जरूरी है उस तरह से व्याधि के विपरीत मतलब डायरेक्ट डिसीज को ठीक करने वाला जो औषध है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम चिकित्सा के बारे में सोचेंगे। उसके बाद है तद अर्थकारिवा, और एक तो उसके व्याधि के विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, और उस और तद अर्थकारी होगा मतलब उस तरह का जिसका परिणाम हो, मतलब व्याधि का दूर करने का जिसका परिणाम हो, इस प्रकार के चिकित्सा का प्रयोग करना है। तद अर्थकारी वा पक्वे दोषे तु इद्धेच पावके हितम अभ्यंजन स्नेह पान बस्त्यादि युक्ति था। और उसके बाद फिर दोष जब पक्व हो गए, दोष नॉर्मल कंडीशन में मतलब शरीर के बाहर निकालने के लिए अगर वो रेडी है तो फिर हितम अभ्यंजन स्नेह पान बस्त्यादि युक्ति था, तो फिर उसको फिर अभ्यंग स्नेह पान बस्ती आदि का प्रयोग करना है। मतलब पहले उसको जो दोष बढ़ा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने वाले औषध देने चाहिए, उसके बाद जो दोष का डाइजेशन अगर हो जाएगा, दोष का पाचन हो जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगा, तो फिर उसमें अभ्यंग स्नेहपान बस्ती इत्यादि जो कार्य है उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर अजीर्णम च कफात आमम तत्र सोफो ऑक्सीगंडयो सद्य भुक्त इवोद्गार रसे उत्कृष्ट गौरवम। और इस अध्याय में बहुत ज्यादा चिकित्सा के बारे में डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है कि चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए। तो ये एक चिकित्सा का पार्ट है कि प्रॉपर क्वांटिटी में आहार अगर नहीं लिया है, उससे आम की उत्पत्ति हुई है और उसके अलग अलग लक्षण सिम्टम अगर दिख रहे हैं तो चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। तो अजीर्णम च कफात आमम तत्र सोफोक्षिगंडयोः सद्यो भुक्त इवोद्गारः प्रसेक उत्क्लेश गौरवम्। फिर कफ दोष प्रकोप अगर हो गया, कफ अगर ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा है तो आमाजीर्ण, तो यहाँ पर जैसा हमने पहले कहा है कि अध्यसन, विरुद्धासन और अजीर्णासन के बारे में हमने देखा है, तो उसी तरह से उस तरह से आहार सेवन करने पर अजीर्ण के भी अलग अलग प्रकार बताए हैं कि हम बोलते हैं कि हमें अभी अजीर्ण हो गया, मतलब जो खाया हुआ है प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उसके चार प्रकार बताए। एक तो है आमाजीर्ण, फिर है विष्टब्धाजीर्ण, फिर है विदग्धाजीर्ण और चौथा है रसशेषाजीर्ण। तो ऐसे चार प्रकार के आहार का अजीर्ण का वर्णन यहाँ पर किया है। तो क्या है वो, तो पैदा है कि अजीर्णम च कफात आमम, कफ की वजह से जो अजीर्ण होता है उसको आमाजीर्ण कहते हैं, कि कफ ज्यादा बड़ा हुआ है मतलब अजीर्ण है लेकिन उसमें भी कफ ज्यादा बड़ा हुआ है तो जो भी उत्पन्न होगा आम उसको आमाजीर्ण ऐसे कहते हैं।
उससे क्या होता है, सोफो ऑक्सीगंडयो, मतलब सुबह उठने के बाद अगर हमको लगता है कि आंखों के ऊपर सूजन है, चेहरा सूजा हुआ ऐसा अगर लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि आमाजीर्ण की कंडीशन वो है, सद्यो भुक्त इवोद्गारः, और ऐसा लग रहा है कि अभी खाना खाना है, उसके बाद जिस तरह से डकार आती है ऐसा अगर डकार आ रही है, और प्रश्न का उत्प्लेश गौरवम, मुंह से ज्यादा पानी निकल रहा है, उत्प्लेश मतलब उल्टी जैसा लग रहा है, गौरव शरीर में भारीपन अगर लग रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि आमाजीर्ण कंडीशन है। दूसरा है विषभाजीर्ण, तो आम जो है वो आमाजीर्ण जो है वो कफ के बढ़ने से होता है, विषभाजीर्ण जो है वो वात ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है तो उत्पन्न होता है। तो वात दोष विष्टब्धम अनिलात शूलम विबंध आध्मान साधकृत, वात दोष अगर बढ़ा हुआ है तो विष्टब्धाजीर्ण उत्पन्न होते हैं, उसमें उसे क्या होता है तो शूल पेट में पेन होता है। उसके बाद विबंध मतलब मल और मूत्र, मतलब वो शरीर से बाहर नहीं प्रॉपरली निकल नहीं पाते हैं, तो विबंध आधमान पेट फूल गया ऐसा लगता है, और साध और शरीर में ऐसा लगता है कि थकान हो गई है ऐसा लगता है, तो उसको विष्टब्धाजीर्ण ऐसा हम कहेंगे, वो वात की ज्यादा क्वांटिटी में रहने से होता है। और तीसरा है पित्तात् विदग्धम, पित्त ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है तो उससे विदग्धाजीर्ण उत्पन्न होता है, तो उससे क्या होता है तो तृण, तृण मतलब प्यास ज्यादा लगती है, मोह मतलब आंखों के आगे अंधेरा आना, उसको हम कहेंगे मोह। फिर आता है अम्लोद्गार, खट्टी डकार आती है, और दाहवत और शरीर में जलन होती है, तो हम बोलेंगे उसको विदग्धाजीर्ण। तो इसलिए हम पेशेंट जब एसिडिटी ऐसे बोलता है तो पेशेंट को हम पूछते हैं कि एसिडिटी यानी एग्जैक्टली आपको क्या हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है कि पेट पर जलन हो रही है कि और क्या हो रहा है, तो उसके बेसिस पर हम उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसको आमाजीर्ण की कंडीशन है या विष्टब्धाजीर्ण की कंडीशन है या फिर विदग्धाजीर्ण की कंडीशन है, और उसके अनुसार ट्रीटमेंट भी चेंज होती है। इसलिए आमाजीर्ण है या विष्टब्धाजीर्ण है या विदग्धाजीर्ण है, इसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तब। फिर उसको ट्रीटमेंट दिया है, क्या दिया है तो लंघनम कार्यम आमेतु, तो आमाजीर्ण अगर की कंडीशन है तो लंघनम तो उपवास करना है, नहीं खाना है, फिर कम क्वांटिटी में लेना है, विष्टब्धे स्वेदनम मृष्टम, विष्टब्धाजीर्ण कोई कंडीशन है तो उसमें स्वेदन देना है। जैसे वात का जो गुण है उसमें शीत गुण है, तो शीत गुण को कम करने के लिए उष्ण गुण मतलब स्वेदन मतलब स्टीम वो देना है। विदग्धे वमनम, और जो विदग्धाजीर्ण है तो उसमें जो दोष बढ़े हुए उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, इसलिए उसमें वमन मतलब शरीर को उससे बाहर निकाल देना है, उल्टी कराना है, यद्वा यथावस्थम हितम भवेत, और बाकी जो सिम्टम जो उत्पन्न होंगे तो जो जरूरी है उसके अनुसार चिकित्सा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो लंघनम कार्यम आमेतु, आमाजीर्ण में लंघन, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन, और विदग्धाजीर्ण में वमन, इस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फिर आता है फिर आता है एक और सिम्टम के बारे में बताया है, वो है विलंबिका, वो है गरीयसो भवेत लीनात् आमात एव विलंबिका। ये थोड़ा सा ये पार्ट जो हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि उसमें व्याधि के नाम है, उसके ट्रीटमेंट की बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसलिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन उतना डिफिकल्ट वो नहीं है। तो गरी आ लग उसके शब्द अलग अलग है, लेकिन चिकित्सा का सूत्र हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कम क्वांटिटी में दोष बढ़े हैं तो लंघन करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़े हैं तो उसको स्वेदन करना है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़े हुए तो उसको शरीर से बाहर निकाल देना है, यही उसका चिकित्सा सूत्र मेन है। फिर गरीयसो भवेत लीनात् आमात एव विलंबिका, और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर दोष बढ़े हैं और जो आम शरीर में अलग अलग जगह पर वो
जाके सेडिमेंट हो गया है तो उसको हम कहेंगे विलंबिका। और वकफवात अनुबद्धाम लिंगा नाम लिंगा तत्सम साधना। और अगर वो शरीर में लीन हो गया है, शरीर में अंदर तक पहुंच गया, जैसे हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं कि जो बोलते हैं कि हमें फीवरिश लगता है, मतलब हम टेम्परेचर अगर थर्मामीटर लेकर अगर नापेंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट बोलता है कि हमें शरीर में जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शरीर में बुखार है ऐसा लगता है, तो उसको हम कहेंगे लीन दोष हो गया, शरीर में जाके वो एक जगह पर रुक गए तो उसको हम बोलेंगे लीन दोष। तो ऐसा लीन दोष शरीर में अगर हो गया उसको हम कहते हैं विलंबिका। तो उसको विलंबिका नाम का व्याधि हो जाता है। और उसमें क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है, और कफवातानुबद्धा आमलिंगा तत्सम साधना, और कौन से दोष ज्यादा क्वांटिटी में बढ़े हुए हैं तो उस तरह से वो देखकर उसकी ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए। आमलिंगा तत्सम साधना, इस आम में भी कौन से दोष बढ़ने के कारण आम उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार चिकित्सा भी अलग अलग प्रकार से करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो मैंने चौथा कहा है कि रसशेषा जीर्ण, रसस मतलब डाइजेशन जब प्रोसेस चलते रहती है तो जो भी डाइजेशन के बाद एक आहार रस की उत्पत्ति होती है उसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आहार रस की उत्पत्ति होती जो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो उत्पन्न होगा तो उसको हम बोलेंगे आहार रस। तो वो प्रॉपरली बना हुआ नहीं है तो उस समय पर अश्रद्धा रुद्रता शुद्धे अपि उद्गारे रस शेषतः शयित किंचित एवात्र सर्वस्य अनाशितो दिवा स्वप्यात अजीर्णी संजात बुभुक्षो अद्यान मितम लघु। हमने एक दिन पहले खाना खा लिया है और वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो गया है और दूसरे दिन हमको लगता है कि मतलब भोजन हमने जो खाया है वो तो डाइजेस्ट हो गया लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला जो भी रस धातु रस है आहार का रस है वो प्रॉपरली उसका डाइजेशन नहीं हो पाया ऐसा हमें अगर लगता है तो उससे क्या होता है कि अश्रद्धा मतलब भोजन नीचे चला गया लेकिन अभी हमको खाने की इच्छा तो नहीं हो रही है, सुबह उठने के बाद हमको लग रहा है कि नहीं अभी अभी हमें नहीं खाना है, या फिर ऐसा लगता है कि हमारा सीने में थोड़ा सा जकड़ाहट जैसे लगती है और उद्गार मतलब डकार सही से नहीं आ रही है, डाइजेशन प्रॉपर हुआ है ऐसा डकार से नहीं लगता है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कि रसशेषाजीर्ण, कुछ थोड़ा सा डाइजेशन बचा हुआ है ऐसा अगर लग रहा है तो क्या करना चाहिए? तो अनाशितो दिवा शयित किंचित, थोड़े से प्रमाण में दिन में सो जाना चाहिए बिना खाए, मतलब इसका थोड़ा सा हमने पहले भी उसके बारे में देखा है प्रॉपरली डाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो फिर सुबह के समय में थोड़े से प्रमाण में सो जाना चाहिए बिना खाए। तो जो स्वप्यात अजीर्णी सो जाना चाहिए तो उससे क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड जो भी आहार रस है वो बच जाता है और उसके बाद थोड़ा जब थोड़ी सी भूख लगना शुरू होता है अगर लगता है कि अभी हमने आधा घंटा पौन घंटा सो लिया उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है तो उसके बाद लघु अद्यात लघु आहार का सेवन करना चाहिए, मतलब जिससे जो डाइजेशन करने में आसान है ऐसे इस प्रकार के आहार का सेवन हमें धीरे धीरे करना है। तो उससे हम जो अग्नि जैसा हमने कहा है कि थोड़े से क्वांटिटी में अगर अग्नि है तो उसको कम क्वांटिटी में आहार देकर उसको प्रज्वलित करना है, उसके बाद फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आहार थोड़ा सा पचने में भारी आहार ऐसा हम सेवन किया जा सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आहार का सेवन लघु आहार का सेवन हम कर सकते हैं। और फिर जब अजीर्ण की कंडीशन है ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि रसशेषा जीर्ण है या फिर अजीर्ण है ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? तो उनके सिम्टम के ऊपर से मालूम हो जाएगा। कैसे होगा? विबंधो अति प्रवृत्तिर्वा,
सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होगा, विबंध कॉन्स्टिपेशन रहेगा, या फिर अति प्रवृत्ति होगा, वहां मतलब या अति प्रवृत्ति, ज्यादा क्वांटिटी में हमें मोशन होगा, लूज मोशन हो जाएगा। तो दूसरा है ग्लानी, मतलब बिना कुछ काम किए भी थकान जैसे लगता है, उसको हम बोलते हैं ग्लानी। मारुत तो मूर्ता, ऐसा लगता है कि जो वायु का शरीर में चलन वलन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मारुत तो मूढ़ता। अजीर्ण लिंगम सामान्यम, ये सामान्यता से अजीर्ण के लक्षण है। विष्टम्भो, मतलब पेट में जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। गौरव, शरीर पेट में भारीपन लग रहा है, शरीर में भारीपन लग रहा है। और भ्रमः, चक्कर आना, ये सभी लक्षण अगर दिख रहे हैं तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये अजीर्ण के लक्षण है, कि शरीर में जो आहार पचना चाहिए वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा हम हमको समझना चाहिए। उसके बाद फिर ये अजीर्ण क्यों होता है, तो न चाति मात्रम एवान्नम आम दोषाय केवलम, द्विष्ट विष्टम भी दग्धाम गुरु रुक्ष हिमाशुचि विदाही शुष्कम अत्यंबु प्लुतम चान्नम न जीर्यति उपतप्तेन भुक्तम च शोक क्रोध शुदा शुदादि। तो केवल अति मात्रा से खाने से ही आम दोष उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है। ज्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे, पूरा पेट भर के ऐसा खा लेंगे तो ही आम उत्पन्न होगा ऐसा नहीं है, उसके और भी अलग अलग कारण है। तो द्विष्ट मतलब जिसको खाने से द्वेष हो, खाने की इच्छा नहीं है फिर भी खा लिया, फिर विष्टम भी मतलब जो प्रॉपर शरीर में जाकर उसको डाइजेस्ट नहीं होता ऐसा आहार अगर हमने सेवन कर लिया विष्टम, उसको बोलेंगे विष्टम भी। फिर दग्ध मतलब जला हुआ, या फिर आम प्रॉपरली जो पक्का हुआ नहीं है, अर्ध आधा कच्चा ऐसा आहार सेवन करेंगे तो। गुरु पचने में भारी। फिर रुक्ष ड्राई है, किम बहुत ठंडा मतलब फ्रिज से निकाला हुआ खाना। अशुचि जो स्वच्छ नहीं है, इसमें कचरा हुआ पड़ा हुआ ऐसा आहार। विदाही जिसमें बहुत ज्यादा मसाला वगैरह पड़ा हुआ है ऐसा आहार। शुष्क बहुत सूखा है ड्राई है। फिर है अत्यंबु प्लुतम जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, इस प्रकार का आहार अगर सेवन करेंगे, अन्नम न जिरियती उस प्रकार का आहार डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता है। उपतप्ते न भुक्तम च, और भूख लगने के बाद बहुत देर से अगर खाना खाएंगे तो डाइजेशन होगा नहीं, मतलब अभी हमको 12 बजे भूख लगी, हम 1-1.5 बजे खाना खा रहे हैं, कुछ मीटिंग चल रहा है, कुछ हो रहा है, हम कुछ काम में बिजी हैं, और हमने भूख लगने के बाद भी अगर खाना नहीं खाया, बहुत देर के बाद अगर खाना खाया तो भी उससे आम की उत्पत्ति होती है। शोक क्रोध क्षुधादि भी, और बहुत हम शोक में है मतलब दुख में, दुख की कंडीशन में है, क्रोध बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और इस प्रकार से खाने के बाद भूख लगने के बाद भी अगर हम बहुत गुस्से में है या फिर बहुत दुखी है उस ऐसा कंडीशन हो, तो भूख लगने के बाद भी अगर खाना खाएंगे तो भी हमें प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब केवल ज्यादा क्वांटिटी में खाने से ही आम की उत्पत्ति होगी ऐसा नहीं है, तो इन सभी कंडीशन में भी आम की उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद जो हम जो 4 प्रकार का हमने पहले देखा है, समशन, अध्यसन, विषमासन, ये जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पर दिया है 3 प्रकार से आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो पहला है समशन। समशन का मतलब क्या है कि मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम, कि पथ्य आहार और अपथ्य आहार जो शरीर के लिए हितकर है और जो शरीर के लिए हितकर नहीं है, इस दोनों प्रकार का आहार हम साथ में सेवन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे समशन। दूसरा है अध्यसन,
विद्या अध्यसनम भूयो भुक्तस्य उपरि भोजनम। तो एक बार हमने पूरा भोजन कर लिया है और वो पचा नहीं है, उसके पहले ही हमने दूसरा भोजन कर लिया, तो उसको हम कहेंगे अध्यसन, उसको हम बोलेंगे अध्यसन। पहला है समसन, दूसरा है अध्यसन, दूसरा है विषमासन, अकाले, जो अकाल में मतलब भूख नहीं लगी है फिर भी हम भोजन किया, बहु बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किया, अल्प कम क्वांटिटी में किया है, तो इस प्रकार से अगर आहार सेवन किया है तो खाने का समय नहीं है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या फिर बहुत कम भोजन किया तो उसको हम कहेंगे विषमासन। ये तीनों प्रकार से अगर आहार का सेवन करेंगे तो त्रीणी अपि एतानि मृत्युं वा घोरान व्याधिं सृजन्ति वा, इससे अनेक घोर व्याधि मतलब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन के व्याधि उससे उत्पन्न हो सकते हैं या फिर मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से अध्यसन, विषमासन और अध्यसन समसन, समसन विद अध्यसन और विषमासन के बारे में डिस्क्राइब किया है। फिर आता है कि तो ऐसा अगर समसन, विरुद्धासन, अध्यसन अगर नहीं करना है, विषमासन अगर नहीं करना है तो क्या करना है, तो किस तरह से आहार का सेवन करना है, तो उसके लिए एक विधि दिया है कि किस तरह से आहार का सेवन करेंगे। चरक संहिता में इसको इसके लिए एक नाम है, उसका नाम है आहार विधि विशेष आयतन, कि आहार का सेवन करेंगे, और दूसरा है आहार विधि विधान, किस तरह से आहार का सेवन करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ मिलता है। तो उसको डिस्क्राइब यहाँ पर अष्टांग हृदय में या वाग्भट में किया है, क्या है किस तरह से आहार सेवन करना है, तो काले उचित समय पर, फिर साथ में जो हम हमारे लिए हम रेगुलर जो खाते आए हैं इस तरह का आहार, फिर है शुचि जिसको साफ किया गया है मतलब स्वच्छ है, उसमें कचरा नहीं है, मतलब कहीं से बाहर से जिसके ऊपर धूल है, कचरा है, मिट्टी है, जब बाहर जाकर खाना हो उसको हम शुचि नहीं कहेंगे, केले के ऊपर का खाया है उसको शुचि हम नहीं कहेंगे। हितम जो शरीर के लिए अच्छा है वो, स्निग्ध उष्णम लघु तन्मनाहा, स्निग्ध है मतलब ड्राई, एक बहुत ड्राई आहार नहीं है, स्निग्ध है मतलब घी वगैरह डाला हुआ है, थोड़ा सा तेल वगैरह है, इस प्रकार का आहार, उष्ण मतलब गर्म है, अभी अभी पकाया हुआ है उसको खा रहे हैं, लघु पचने में हल्का है, तन मनाहा जो भी आहार बनाया हुआ है उसके साथ मन लगाकर हम खाना खा रहे हैं, षड रसम मधुर प्रायम, छह रस उसमें हो और जिसमें मधुर रस थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में है, मधुर प्रायम, नाति द्रुत विलंबितम, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं और बहुत धीरे धीरे भी नहीं, नाति द्रुतम न विलंबितम, बहुत धीरे भी नहीं और बहुत तेजी से भी नहीं। स्नातः स्नान करके, इसका मतलब है स्नान करने से पहले भोजन नहीं करना है, उसके बाद शुद्धवान भूख लगने के बाद, विविक्तः और एकांत स्थान पर एक जगह पर बैठ के, विविक्तस्थो विविक्त मतलब एक जगह पर स्थान पर बैठकर, धौत पाद करानना हाथ पैर धोकर खाना खाएंगे, तर्पयित्वा पितून देवान अतिथिन बालकान गुरुन प्रत्यवेक्ष तिरश्चोपि प्रतिपन्नं परिग्रहान समीक्ष्य सम्यक आत्मानं अनिन्दन अब्रुवन् दवं इष्टमिष्टैः सहाशनीयात् शुचि भक्त जनार्तम। तो तर्पयित्वा पितृन, वो पितृ पितर देव अतिथि इन सभी को नैवेद्य दिखाकर, तर्पयित्वा इनको तृप्त करने के बाद बालक गुरु अपने से छोटे जो बच्चे हैं उनको खिलाकर, गुरु को तृप्त करके, इन सभी को तृप्त करने के बाद आहार हमें सेवन करना है, प्रत्यवेक्ष तिरश्चोपी, और ये सभी चीजों को देखकर तिरश्चोपी प्रतिपन्न परिग्रहण, जो भी बाकी के जो लोग हैं पक्षी वगैरह उनको भी तृप्त करके हमें आहार का सेवन करना है। समीक्ष सम्यक आत्मानम अभिन अनिंदन अब्रुवन द्रवम, अपने तरफ
सही से देखकर, मतलब हम अपना खुद का एनालिसिस करके हमें क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, इन सभी का विचार करके सम्यक नॉर्म प्रॉपर क्वांटिटी में सम्यक नॉर्मली नॉर्मल जो आहार उसका सेवन करना है, आत्मानं और निंदन किसी की निंदा किए बिना, और अब्रुवन द्रवम और बिना बातचीत किए, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना है, द्रव और थोड़ा सा लिक्विड भी जिसके साथ हो, इस तरह से इष्ट मिष्ट ही सहसनीयात, अपने से जो इष्ट है मित्र है इष्ट ही सह जो हमारे लिए योग्य है, और हमारे लिए जो योग्य लोग हैं उनके साथ बैठ के सह असनीयात उनके साथ बैठकर शुचि भक्त जनारुतम, और जो पवित्र ऐसे कपड़े पहने हुए जो लोग हैं उन्होंने परोसा हुआ आहार ही हमें सेवन करना चाहिए। ये सभी कंडीशन में आहार का सेवन करेंगे कि तो किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न होने का कोई संभावना कम से कम रहेगी, और किस प्रकार के आहार का सेवन नहीं करना चाहिए तो फिर उसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि त्याज्य क्या है, भोजनम तृण केशादि जुष्टम उष्णीकृतम पुनः, जिसमें थोड़ा तृण मतलब कचरा पड़ा हुआ है, केश बाल जिसमें पड़े हुए हैं, फिर जुष्टम उनसे जो उन जो पड़े हुए ऐसा आहार उष्णीकृतम पुनः ठंडा हो चुका आहार उसको दोबारा गर्म करके खाई खा लिया तो ये भी नहीं करना है। उष्णीकृतम पुनः शाक शाकावरान्न भूयिष्ठम अत्युष्ण लवणम त्यजेत, और जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शाक मतलब जो जिसको पकाया हुआ नहीं ऐसे शाक जिसमें डाले हुए हैं, और अवर अन्न जो अवर है मतलब जिस जो प्रॉपर जिसकी क्वालिटी जो चाहिए उस क्वालिटी का आहार अगर नहीं है, अत्युष्ण लवणम त्यजेत बहुत ज्यादा जो गर्म है, और लवण जिसकी जिसमें बहुत ज्यादा नमक है इस प्रकार के आहार का भी सेवन करना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद दिया है जो डेली नहीं खाना चाहिए ऐसे भी आहार के बारे में दिया है, तो क्या क्या डेली नहीं खाना है, तो किलाट दही, किलाट के बारे में हमने पहले देखा है कि दूध को फाड़ कर जो बनाते हैं उसको किलाट कहते हैं, दही दही रोज नहीं खाना चाहिए, कुर्ची का पनीर, फिर क्षार अल्कलाइन जो है वो आहार, सुक्त मतलब जो बहुत ज्यादा खट्टा जो है वो आम मूलकम कच्चा जो है वो मूली कच्ची मूली, कृश शुष्क वराह आवि गो मत्स्य माहिष्यम अमिष्यम, तो मांसाहार किस प्रकार का नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी दिया है, मांस उसके बाद जो दालें हैं उनमें से क्या क्या रेगुलर रोज नहीं क्या नहीं खाना है, तो मांस मतलब उड़द निष्पाव मतलब फिर शालुक, एक शालुक एक आहा बंद का प्रकार है, विष मतलब जो कमल का जो मूल है वो, पिष्ट मतलब जो मैदा है उसका जो भी उससे बना हुआ जो भी आहार है, विरूढ़कम जिसमें अंकुरित धान्य जिसको हम कहते हैं, शुष्क शाकानी जो ड्राइड जो भी साफ है वेजिटेबल्स है ड्राइड वेजिटेबल, फिर यवकान मतलब यव तो पानी मतलब प्रॉपरली जिससे गुड़ बना हुआ नहीं है, वो बीच में यहाँ से वो मशीन गई ना डेंगू के लिए वो फ्यूमिगेशन करने के लिए, तो उसकी आवाज आ रही थी तो मैंने बंद किया। तो शुष्क शाकानी ड्राइड वेजिटेबल्स, यवकान जौ और फाणित मतलब गुड़ की प्रीवियस स्टेज उसको हम फाणित कहते हैं, तो वो रेगुलर उसका सेवन नहीं करना है, मतलब उसको बिल्कुल खाना नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन डेली दही कुर्ची का अचार फिर अर्धी आधी पकी हुई मूली फिर उड़द ये सभी का डेली सेवन नहीं करना है।
अगर वो करते हैं तो हमारा जो आम की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको डेली सेवन उसका नहीं करना है। और डेली क्या खाना है, तो डेली क्या खा सकते हैं, तो शीलयत, शीलयत का मतलब होता है कि रेगुलर इसका सेवन कर सकते हैं। वो क्या है, तो शीलयत शाली गोधूम यव षष्ठी पर जांगलान। फिर शाली मतलब चावल, गोधूम मतलब गेहूं, यव शाली चावल, फिर षष्ठी मतलब 60 दिनों में पकने वाला जो चावल है वो, जंगल मतलब जो जंगल एरिया में उत्पन्न होने वाले जो प्राणी उनके उनका मांस, सुनी शण्डक, ये सभी शाक के प्रकार है। सुनी शण्डक जीवंती, जीवंती एक शाक प्रकार, शाक का प्रकार है। बाल मूलक जो जो ताजी जो मूली है, मतलब जो बहुत ज्यादा टेंडर जो मूली है वो। फिर पथ्या मतलब हरित की, आमलक आमला, मृदवी का मतलब मुनक का किशमिश, पटोली एक पोशाक है, मुदग मूंग है, शर्करा शक्कर मतलब चीनी, घृत मतलब घी, दिव्योदक मतलब गंगा का मतलब ऊपर जो हम दिव्योदक, जो हमने जल वर्ग द्रव द्रव्य के बारे में जब देखा था उस समय दिव्योदक का उसके बारे में देखा था। क्षीर दूध, टौद्र मतलब शहद, दाढ़ी मतलब अनार, सैंधव, सैंधव लवण मतलब नमक, इनका सेवन रोज किया जा सकता है। फिर त्रिफलाम मधुसरपीरभ्याम निशी नेत्र बलाय च। अभी यहाँ पर एक थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें ऊपर के लाइन में आया है कि कच्चा कच्ची मूली का सेवन नहीं करना है, और यहाँ पर दिया है कि जो बाल मूलक वो भी कच्ची मूली, ऐसा ही हमको लग सकता है। लेकिन यहाँ बाल मूलक का मतलब यह है कि जो टेंडर है मतलब नया है वो, उसका सेवन हम रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन जो टेंडर की स्टेज को पार कर गया है और जो थोड़ा पुराना हो गया लेकिन पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, इस तरह से जो मूली है उसका सेवन हमको नहीं करना है। फिर दूसरा है, बाकी रेगुलर जो हम ले सकते हैं उसका भी डिस्कशन यहाँ पर किया है। तो त्रिफला मधुसरपीरभ्याम निशी नेत्र बलाय च, नेत्र बला मतलब आंखों की रोशनी सही रहे, इसके लिए रेगुलर क्या सेवन कर सकते हैं, वो त्रिफला मधुसरपीरभ्याम, त्रिफला का सेवन कर सकते हैं शहद और घी के साथ। सरपी मतलब घी, मधु मतलब शहद, घी और शहद के साथ रात को त्रिफला का सेवन करेंगे तो वो आंखों की रोशनी उससे ठीक होती है। स्वास्थ्यानुवृत्ति रोगोच्छेद कर्म चयत, और जो भी स्वास्थ्य के लिए हितकर है और रोग के दूर करने के लिए जो भी जरूरी है उस प्रकार के आहार का सेवन हमें करना चाहिए। फिर फिर किस प्रकार के आहार का सेवन किस तरह से करना है, तो विष इक्षु मोत चोचाम्र मोदक उत्कारिकादिकम अद्या द्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादु मंदम सिरम पुनः विपरीतम अतश्च अन्ते मध्ये अम्ल लवणोत्पलम। तो स्टार्टिंग में आहार में आहार का सेवन का क्रम क्या होना चाहिए, तो जो पचने में भारी है ऐसा ऐसे पदार्थों को भोजन के स्टार्टिंग में लेना है। मतलब विष इक्षु मोच ये सभी जो है, आम्र मोदक उत्कारिका ये मतलब लापसी हलवा जो है, ये सभी जो द्रव्य है वो पचने में भारी है। मतलब विष का आपने ऊपर वर्णन किया कि गुरु गुरु है, मोच मतलब होता है कि केला, चोच मतलब फल जो अलग प्रकार के फल है उनका, फिर मोदक, मोदक के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उत्कारिका मतलब हलवा लड्डू, ये सभी जो है जो पचने में भारी है उनका सेवन आहार में पहले करना है। और जो गुरु है स्निग्ध है मधुर है और ये सभी जो इस प्रकार के द्रव्य जो है उनका सेवन भोजन के स्टार्टिंग में करना है। और विपरीतम अतश्च अन्ते, और जो पचने में हल्का है उसका सेवन भोजन के बाद करना है। और मध्ये अम्ल लवणोत्पलम, और बीच में अम्ल मतलब खट्टा और
लवण रस वाला जो भी आहार है उसका सेवन भोजन के बीच में करना है। अभी हम देखते हैं कि डेजर्ट लास्ट में खाने की जो पद्धत है, जो भी है सिस्टम है, वो एकदम गलत है। तो खाने में सबसे पहले जो है पचने में भारी जो भी होगा, जो मीठा होगा सबसे पहले खाना चाहिए, और जो भी पचने में हल्का जो है इस प्रकार के आहार का सेवन भोजन के अंत में करना चाहिए, तो प्रॉपरली वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और फिर आमाशय के चार भाग करके, अन्नेन कुक्षेर द्वाव द्वौ अंशौ, आनेन एकं प्रपूरयेत्, आश्रयं पवनादीनां चतुर्थम अवशेषयेत्। हमें भूख कितनी है कि हम हमको अंदाजा लग सकता है, उसके अनुसार आमाशय के चार भाग करने हैं। उसमें से अन्न से, मतलब जो हार्ड या फिर सॉलिड फूड मटेरियल, उससे दो भाग भरना है आमाशय, मतलब पेट का। उसके बाद जो लिक्विड डाइट है उससे एक भाग फिल करना है, और वायु के चलन वलन के लिए एक भाग, चौथा जो भाग बचा हुआ है वो उसको खाली रखना है, तो उससे डाइजेशन प्रॉपरली हो जाएगा। इस प्रकार से हमें आहार का सेवन करना चाहिए। उसके बाद जो है वो आहार सेवन करते समय हमें क्या-क्या, आहार के बाद क्या लेना है उसको हम कहते हैं अनुपान। तो ये अनुपान के बारे में हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, थोड़ा सा ही अध्याय बचा हुआ है। तो फिर अनुपान जो है कि खाने के साथ क्या लिक्विड क्या लेना है उसको कहते हैं अनुपान, कि कौन प्रकार के आहार के साथ क्या क्या हमें साथ में लेना है उसको कहा जाता है कि वो अनुपान है। तो अनुपान के बारे में डिस्क्रिप्शन हम बाद बाद के हमारे क्लास में, सेशन में हम देखेंगे। अभी तक जो हम डिस्क्राइब किया उसके बारे में किसी को अगर पूछना है तो हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, हमारे पास 1 या 2 मिनट का समय है। अभी तक जो हो गया उसमें किसी को, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है, ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो ऐसा किसी को है तो वो हम डिस्कशन कर सकते हैं। जब जो पश्चिम में जो कहा जाता है कि डेजर्ट अंत में खाना चाहिए, तो उसके पीछे उनकी क्या धारणा होगी? उनकी धारणा तो मुझे पता नहीं है वो क्या क्यों बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर जब हम आहार का सेवन करेंगे तो चरक में भी कहा है, बाकी भी आचार्यों ने कहा है कि आदौ मधुरम अश्नीयात मध्ये अम्ल लवणौ रसौ पश्चात शेषान रसान वेद्यो भोजनेषु अवचारयेत्। मतलब पहले मधुर का सेवन करना चाहिए, उसका कारण भी लॉजिक, हाँ ऐसा क्यों करना है उसका कारण तो आयुर्वेद में दिया है कि पहले मधुर का सेवन क्यों करना है। तो सबसे पहले जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमारी अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, और उसको कुछ ना कुछ सॉलिड या फिर जो पचने में भारी है ऐसा देंगे तो और ज्यादा अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और वो तो प्रॉपरली डाइजेशन कर पाएगी। आहार के लास्ट में अगर गुरु आहार का सेवन करेंगे, मधुर आहार का अगर सेवन करेंगे, तो फिर वो अग्नि आहार के अंदर जाने की वजह से मंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए लास्ट में अगर गुरु आहार सेवन किया, मधुर आहार सेवन किया, तो वो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लास्ट के स्टेज में, आहार के लास्ट के स्टेज में जो पचने में हल्का है, लघु है, जो ड्राई है, इस प्रकार के आहार का सेवन करने के लिए बोला है। तो ये लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में गर्म भारी आहार सेवन करेंगे तो उसका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, लास्ट में अगर खाएंगे उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए पहले मधुर है, गुरु है, स्निग्ध है, ऐसा आहार स्टार्टिंग में हमको लेना है। मुझे हमेशा स्वीट खाने के बाद नींद आने लगती है। हाँ, लेकिन हम इस प्रकार से अगर खाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो फिर ये जो बहुत नींद आती है वो नहीं होगा।
क्योंकि हम भोजन डाइजेशन होने का स्टार्टिंग होने का समय भी अगर 10 मिनट तक हमारा भोजन चलता है तो पहले हमने जो खा लिया है वो थोड़ा सा उसको नीचे डिसेंड होना शुरू हो जाता है, इसलिए फिर वो भी जो शरीर में भारीपन लगना वगैरह जो भी वो भी ज्यादा प्रमाण में नहीं होता है, इसका हम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, समय तो वैसे हो गया है धन्यवाद सर। तो हम बाकी का नेक्स्ट। जी। तो विल भी स्टार्ट, इसको बीच सॉरी में सॉरी, हाँ कंटिन्यू डॉक्टर। नहीं नहीं, वो यहाँ अभी अब रुक जाएंगे यहाँ पर कि कैसा है? इसके बाद अभी हमारा सेशन होगा ना, 15 मिनट के बाद में दूसरा सेशन है। हाँ आज हम ठीक लोग है ठीक घेरण है ठीक संहिता स्टार्ट है करने वाले हैं, तो आई विल जी ठीक रिक्वेस्ट यू है टू हैव द घेरण संहिता बुक विद यू एज वी स्टार्ट टुडे विद द न्यू टेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू।